नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है द सेरेमन एट बनारस। इसी चैप्टर को हम लोग कर लेते हैं और बहुत ही मार्मिक कहानी इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित है। आइए कहानी को हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, गौतम बुद्धा 563 AC to 483 BC, BC to BC, ये गौतम बुद्ध का जन्म रहा है। बिफोर क्रिस्ट है, BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह से पहले, जन्म के पहले, ईसा पूर्व जिसे कह देते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उन्होंने अपना जीवन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में बिताया इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये कहानी उत्तरी भारत की है, जहाँ गौतम बुद्ध एज सिद्धार्थ एक राजकुमार के रूप में रहे थे। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सीक्रेट स्कल्पचर्स। जब 12 वर्ष के थे राजकुमार सिद्धार्थ, तब उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों की अध्ययन हेतु भेज दिया जाता है स्कूलिंग के लिए, एंड जब वो 12 वर्ष के होते हैं तब उन्हें भेजा जाता है, स्कूलिंग कराई जाती है, और स्कूल के समय में उन्हें हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया कराया जाता है। उनकी स्कूलिंग 4 ईयर्स रही है। 4 वर्ष तक उन्होंने पढ़ाई की। लेटर रिटर्न टू होम एंड मैरी ए प्रिंसेस। उसके बाद वो अपने महल वापस आ गए और एक राजकुमारी से उनकी शादी हो जाती है। राजकुमारी का नाम आप जानते होंगे, यशोधरा नाम था उसका, राजकुमारी का। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बेफील्ड रॉयल्टी। 10 वर्षों तक दे हैड ए सन, उन्हें एक पुत्र प्राप्ति होती है, और 10 वर्षों तक वो शानदार रॉयल जीवन जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 और लगभग 22 वर्ष की उम्र में, लगभग 22 वर्ष की उम्र में, 25 की एज में क्या हो जाता है, एट अबाउट एज ऑफ 25 द प्रिंस हैड टू फॉर Sailed from the sufferings of the world. वो दुनिया की सफरिंग से अवगत होते हैं, दुनिया के कष्टों से वो रूबरू हो जाते हैं। While out hunting, chanced upon a sick man. जब वो हंट के लिए गए तो एक संयोग बस ऐसा अवसर आया कि उन्होंने एक सिक पर्सन को देख लिया, बीमार व्यक्ति को देख लिया। Then an aged man, और फिर एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया। देन ए फर्नल प्रोसेशन, फिर उन्होंने अर्थी को जलते हुए देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क, अंत में उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षु को देखा, एक भिखारी को देखा, बैगिंग मांगते हुए फॉर आर्म्स। आर्म्स मीन्स भिक्षा या भीख होता है। अंत में उन्होंने एक भिखारी को भी देखा जो भीख मांग रहा था। संयोग बस राजकुमार सिद्धार्थ जिस समय हंटिंग के लिए जाते हैं, उन्हें एक सिख पर्सन दिख जाता है, वृद्ध दिखता है, और अर्थी जलते हुए दिखती है, एक भिखारी मिलता है जो भीख मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। इन सारे दृश्यों को देख कर वो इतने विचलित हो गए कि वो संसार के इनटू द वर्ल्ड टू सीक, संसार में निकल पड़े खोजने के लिए एनलाइटमेंट, ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हेतु निकल पड़े। कंसर्निंग दैट सोरोज ही हैड विटनेस्ड, उन सभी दुखों को देखकर जिनके वो खुद गवाह थे, जिन दुखों को उन्होंने देखा था, उनको ध्यान में रखते हुए वो निकल पड़े, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat at under a peepal tree. 7 वर्षों तक सिद्धार्थ इधर उधर घूमते रहे
और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉट शपथ लेना होता है, वॉट मीन्स वेयर, प्लेस्ड एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। ही वॉट टू स्टे, जहाँ उन्होंने ये शपथ ली कि वो वहीं रुकेंगे, अंटिल एनलाइटमेंट कैम, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है वो वहीं रुकेंगे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और जब उन्होंने ये शपथ ली और पेड़ के नीचे बैठे, उसके 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही रिटर्न्ड द ट्री, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे उस पेड़ का भी उन्होंने फिर से नाम रखा और उसका बोधि ट्री, बोधि वृक्ष नाम रख दिया। इसका मतलब द ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्हें जो नई अंडरस्टैंडिंग आई थी उनको उन्होंने जनता के बीच देना शुरू कर दिया, धार्मिक शिक्षा शुरू करी। एट दैट पॉइंट ही वी केम नोन एज द बुद्धा, और जब उन्होंने ये प्रचार शुरू किया, ये नई शिक्षाएं देना शुरू किया, उसी बीच उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। द अवेकंड और एन एनलाइटेंड, बुद्ध का अर्थ होता है जो व्यक्ति जागृत होता है या जो ज्ञानी होता है, उसे बुद्ध कहते हैं। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस, तो पहला जो बुद्ध ने सेरेमन दिया, धर्मोपदेश कहेंगे सेरेमन को, वो बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगीज, और ये स्थान बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो डीपिंग प्लेसेस है, कहें कि यहाँ स्नान, गंगा स्नान यहाँ का पवित्र माना जाता है, ऐसी जगह उन्होंने धर्मोपदेश किया। दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखना होता है, इस सेरेमन को सुरक्षित रखा गया, एंड इज गिवन ईयर, और यहाँ उसी के बारे में बात की जा रही है। बुद्ध किस तरह से अपना उपदेश देते थे, किस तरह से अपनी शिक्षाएँ, किस सरल भाषा में बुद्ध लोगों को समझाते थे, उसका एक भाग यहाँ दिया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इसका अर्थ ये है कि बुद्ध जिस तरह से अपना ज्ञान देते थे वो बड़ा इंस्क्रिटेबल था, ये यहाँ मीनिंग दिया जा रहा है इंस्क्रिटेबल का, और बता रहे हैं उसमें कि बुद्ध का जो ज्ञान था वो बहुत ही समथिंग विच कैन नॉट बी अंडर स्टड, ऐसा ज्ञान था जो ईजीली कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। उनके समझाने का जो तरीका था वो अजीब तरीका था। बुद्ध के ज्ञान को कैसे लोग सीखते थे, बड़ा विचित्र तरीका उनके समझाने का था, यहाँ एक कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आइए कहानी देखते हैं क्या है। कह रहे हैं किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी, उसका एक ही लड़का था। एंड ही डेड, और वो लड़का मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और अपने दुख में वो अपने मरे हुए बालक को अपने पड़ोसियों की तरफ लेकर जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सभी पड़ोसियों से कहती है कि उसे कोई दवा दे दो जिससे ये जीवित हो जाए। एंड द पीपल सैड, और लोग कहते सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपने सेंस खो चुकी है, ये महिला पागल हो गई है, ऐसा लोग कहते थे। द बॉय इज डेड, बालक मर गया है, यानी बालक के दुख में इतनी दुखी हो गई महिला कि वो उसे नहीं पता था कि हमारा बालक मर गया है और अब ये किसी भी दवा से जिंदा नहीं होगा। ये उस समय की कहानी है जब गौतम बुद्ध धर्मोपदेश किया करते थे। एट लेंथ, और शाम के समय, किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसके रिक्वेस्ट का जवाब दिया,
पूरे दिन बेचारी भटकती रही। शाम को एक व्यक्ति मिला। आई कैंट गिव यू थी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे को के लिए कोई दवा तो नहीं दे सकता। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो दवा दे देगा। एट द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, टेल मी सर हु इज इट, कृपया मुझे बताइए वो कौन व्यक्ति है जो मेरे बालक को दवा दे देगा और बालक जीवित हो जाएगा। एंड द मैन रिप्लाइड, जवाब दिया, गो टू साक्यमुनि द बुद्धा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आप इस बच्चे के जीवन दान के लिए साक्यमुनि गौतम बुद्ध के पास जाइए। इस तरह से बोला उसने। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइट, किशा गौतमी पहुंची बुद्ध के पास, पहुंची और चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, कहा मेरे स्वामी मेरे मालिक कोई ऐसी दवा दे दो, क्योर मींस मेडिसिन दैट विल क्योर, क्योर का अर्थ होता है सही करना, औषधि भी होता है क्योर का अर्थ, जिससे मेरा बालक ठीक हो जाए। महाराज कुछ ऐसी दवा दे दो मेरे स्वामी। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हमें एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए होगा, सरसों की दाने चाहिए होंगे, राई चाहिए होगी। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, बुद्धा एट इट, और जब वो लड़की इस खुशी में आगे बढ़ने लगी कि एक मुट्ठी राई तो हम तुरंत ले आएंगे, तो बुद्ध ने एक चीज और उसमें जोड़ दी। बुद्ध कहते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन महिला से बुद्ध ने कहा, बहन इस बात का ध्यान रखना कि वो मस्टर्ड सीड आपको ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कोई बालक, कोई पति, माँ बाप या फ्रेंड की मौत ना हुई हो, घर ऐसा होना चाहिए। पुअर किसा गौतमी नाउ बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड, किशा गौतमी दरवाजे दरवाजे घूमती रही, लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा लोगों से, हियर इज मस्टर्ड सीड, लोगों ने कहा ये लो एक मुट्ठी सरसों, टेक इट, ले लो इसे। बट व्हेन शी आस्क, लेकिन जब वो पूछती थी लोगों से, डिड ए सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन आवर फैमिली, क्या आपके परिवार में कभी कोई माँ बाप, डॉटर, सन कोई मरा तो नहीं है। दे आंसर्ड हर, तो वो जवाब देते थे, लोग जवाब देते थे किसा गौतमी को, कहते थे, क्या कहते थे, अलाश द लिविंग आर फ्यू, ये बात मुझसे मत पूछो कि मेरे घर में कौन मरा है कौन नहीं मरा है, जीवित तो बहुत कम हैं, बट द डेड आर मैनी, हमारे घर में मृत लोग बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है मरने वालों की। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, मुझे मेरे वो पुराने दुख याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन इट, और इस तरह से किसा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें उसने अपने प्रियजनों को ना खोया हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी वेरी एंड हेल्पलेस, किसा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई, असहाय महसूस करने लग गई, निराश हो गई, अब उसे उम्मीद नहीं बची। एंड सेट डाउन एट द वे शेड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गई और शहर में जलने वाली रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, देखा कि वो फफक कर लाइट जल रही थी और अंत में समाप्त हो गई, एक्सटिंग्विश्ड समाप्त हो जाना, देखा लाइट एकदम से देखते देखते गायब हो गई। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रैंड ओवर एवरीवेयर, अंत में हर एक जगह अंधेरे का साम्राज्य हो गया। एंड सी कंसीडर द फैट ऑफ मैन, और फिर वो मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगती है, दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, इसी तरह से मनुष्य का जीवन है, जिस तरह से लाइट किस तरह से फफक करके जलती रही और उसके बाद गायब हो गई, मानव का जीवन भी ऐसे ही है, चलता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर
किसा अपने बारे में सोचने लगती है। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं दुख में है, कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सराउंडेड ऑल सेल्फिशनेस। और ये जो दुखों की घाटी है उसमें एक रास्ता है इमॉर्टैलिटी का, अमरता का एक रास्ता है। वो ये है कि जितनी सेल्फिशनेस है, जितना स्वार्थपन है हमें, जिसमें हम घिरे हुए हैं, वो सारा हमें छोड़ना होगा। अगर मनुष्य लालच करना बंद कर दे तो उसे दुख नहीं होगा, ऐसा किसा गौतमी विचार करती है। द बुद्धा सेट, बुद्ध कहते हैं, किसा गौतमी लौट के आई बुद्ध के पास और उसने अपनी व्यवस्था बताई, लाचारी बताई। एक मुट्ठी सरसों के दाने नहीं मिले भगवान, बहुत ढूंढा नहीं मिले, ये सारी कहानी बताई किसा गौतमी ने। उसके बाद बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। जितने भी इमॉर्टल्स हैं, जितने भी नश्वर प्राणी हैं इस संसार में, उनका जीवन संक्षिप्त है और कष्टदायक है। एंड कंबाइंड विद पेन, और उस जीवन में दर्द जुड़ा हुआ है, ये बात समझा रहे हैं। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे जिन लोगों ने जन्म लिया है कैन अवॉइड डाइंग, वो मरने से बच जाएं। किसा गौतमी को समझाते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्हें मरने से रोका जा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मनुष्य को वृद्धावस्था प्राप्त होती है और फिर मौत आ जाती है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, सभी जीवित प्राणियों का स्वभाव ऐसा ही है, आएगा जीवन में जिएगा और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होगा और मर जाएगा। एज ड्राई फ्रूट्स आर, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बुद्ध एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के बड़े माहिर थे। कह रहे हैं कि जिस तरह से पके हुए फल को आर नियरली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल हमेशा गिरने के खतरे में रहता है। सम मॉर्टल्स वेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी तरह से जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उन्हें मृत्यु हमेशा सताती है, हमेशा वो मृत्यु के साए में रहते हैं। जन्म के साथ ही मौत आती है और वो अपना साया हमेशा जीवन के साथ ही रखती है। जिसने जन्म लिया है मौत उसके साथ जन्म लेती है, और कब कहाँ वो व्यक्ति मर जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौत निश्चित है। एज ऑल अर्दन वेजल्स, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल तो बता रहे हैं पके हुए फल को जिस तरह से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, वैसे ही संसार में आने वाले सभी जीवों को मरने का खतरा है। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाई द पॉटर, मिट्टी के जितने बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन उनका अंत टूटकर हो जाता है, एज इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, सजीवों का जीवन भी ऐसा ही है, पता नहीं कब कहाँ टूट जाएगा, कब कहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों चाहे युवा हों चाहे एडल्ट हों, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे मूर्ख लोग हों चाहे बुद्धिमान लोग हों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मौत की गिरफ्त में हैं, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको एक दिन मरना है, सब काल के गाल में समा जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई दवा रोक लेगी। आगे बुद्ध कहते हैं, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिनके ऊपर मौत आ जाती है उनका जीवन से रिश्ता खत्म हो जाता है। ए फादर कैंट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा पाता है, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस
और न ही किन्समैन का मतलब होता है सगे संबंधी, किथ एंड किन। न ही सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, रिश्तेदार आपको देखेंगे, गहरा दुख मनाएंगे, वन बाई वन, एक एक करके मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और नश्वर इसी तरह से जाते रहेंगे, जिंदगी से रिश्ता टूटता रहेगा। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड बाई द स्लगर, ठीक उस बैल की तरह जिसको कसाई खाने में ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए ये संसार मृत्यु और नुकसान से भरा हुआ है। Therefore the wise do not grieve, और इसीलिए बुद्धिमान लोगों को दुख नहीं करना चाहिए। Knowing the terms of world, संसार के इन नियमों को जानने के बाद व्यक्ति को दुख नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान लोगों को तो बिल्कुल दुख नहीं करना चाहिए। Not from weeping, nor from grieving, न रोने से न दुख मनाने से will anyone obtain peace of mind, किसी को भी दिमाग की शांति नहीं मिलेगी, रोने से या दुख मनाने से दिमाग की शांति नहीं आएगी। ऑन द कंट्रारी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी वी सफर, उन्हें और ज़्यादा कष्ट होगा, उन्हें और ज़्यादा दर्द होगा, शरीर को बहुत कष्ट बढ़ेंगे और दर्द ज़्यादा होंगे। किसी के मरने पे हमें दुख मनाना, मनाने से या रोने से उसके दुख कम नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारे दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे शरीर को और ज़्यादा कष्ट मिलेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, इससे वो बीमार हो जाएगा, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, फिर भी मृत व्यक्ति को उसके इस लेमेंटेशन से, पश्चाताप से बचाया नहीं जा सकेगा। आप कितना भी रोएं, कितना भी चिल्लाएं, जो मर गया है वो वापस नहीं आएगा, उल्टे आपको, आपके शरीर को इससे और ज़्यादा तकलीफ होगी। ही हू सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो लोग शांति की तलाश चाहते हैं वो दुख के बाण को, वो लेमेंटेशन, इस दुख के बाण को निकाल देते हैं। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, शिकायतों और दुखों को अपने दिमाग से हटा देते हैं। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिन लोगों ने अपने दिमाग से इन दुखे तीरों को निकाल दिया और मस्तिष्क में शांति धारण कर ली, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, वह व्यक्ति जो सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वह दुखों से मुक्त हो जाता है, एंड बी ब्लेस्ड, और ऐसा व्यक्ति ही, ऐसे व्यक्ति को ही वरदान मिल जाता है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन अच्छे से जी पाता है। तो ये बेटी रेनसा ने लिखी है कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर धर्मोपदेश करते हुए किशा गौतमी को समझा रहे हैं। जब किशा गौतमी अपने मृत बालक को वहाँ लेकर आती है जहाँ बुद्ध उपदेश कर रहे थे, तो किस तरह से उन्होंने किशा गौतमी को समझाया, और फिर किशा गौतमी इस कहानी को सुनने के बाद कहते हैं कि वो बुद्ध शरण में आ गई थी। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। अगली कहानी के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।